नमस्कार दोस्तों, मैं उज्जवल और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माई पाठशाला एंड पाठशाला रेलवे एग्जाम में। दिन की शुरुआत करेंगे करंट अफेयर के पहले क्वेश्चन के साथ। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 100 से अधिक गोल करने वाला केवल पुरुष खिलाड़ी है? ऑप्शन है क्रिस्टिनो रोनाल्डो, दूसरा है एलिडेई, तीसरा है लियोन मेसी, चौथा है वैन रूनी। इस क्वेश्चन का जवाब जानेंगे, उसके पहले अगर आपको करंट अफेयर की वीडियोस पसंद आ रही हो तो मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक का बटन हिट कीजिए। आज के दिन का टारगेट रखूंगा मैं सिर्फ और सिर्फ 500 लाइक, जिससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा, और अपने सुझाव नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। ताज़ा खबरों की तरफ बढ़ेंगे, उसके पहले कुछ लाइनें। आई हैव मिस्ड मोर देन 9000 शॉट्स इन माई कैरियर, आई हैव लॉस्ट ऑलमोस्ट 300 गेम्स, 26 टाइम आई हैव बीन ट्रस्टेड टू टेक द गेम विनिंग शॉट्स एंड मिस्ड, आई हैव फेल्ड ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन इन माई लाइफ एंड दैट इज वाई आई सक्सीड। ये शब्द है माइकल जॉर्डन के। अब एक बात ये समझिएगा कि माइकल जॉर्डन का क्या कहना है कि आई हैव मिस्ड मोर देन 9000 शॉट्स, 9000 से ज़्यादा शॉट्स उन्होंने मिस किया हुआ है अपने कैरियर में। आई हैव लॉस ऑलमोस्ट 300 गेम्स, 300 गेम्स वो हारे हैं, 26 टाइम्स उनको लगा कि वो विनिंग शॉट मारने वाले लेकिन वो मिस कर गए, वो फेल हुए, फिर फेल हुए और फिर फेल हुए, और यही उनके सक्सेस का कारण है। कमेंट सेक्शन में रिसर्च करके बताइएगा माइकल जॉर्डन कौन है। आज के दिन की ताज़ा खबरों की तरफ मूव करेंगे। दिन की ताज़ा खबर में पहली खबर है, एक नाम है डेविड एटनबरो का। डेविड एटनबरो से पहले इनके भाई जिनका नाम है रिचर्ड एटनबरो, ये बहुत फेमस रहे हैं, तो पहले डिस्कस करेंगे रिचर्ड एटनबरो को लेके कि रिचर्ड एटनबरो क्यों फेमस थे। ये गांधी जी के विषय में इन्होंने किताब लिखी थी जिसका नाम है गांधी। गांधी जी की किताब का नाम उनके विषय पर था, लेकिन नाम भी उन्होंने गांधी ही दिया है। और बेसिकली क्या है, दुनिया में चर्चित बापू के संघर्ष इस पे आधारित था कि बापू ने बहुत सारा संघर्ष किया, दुनिया में बात बहुत चर्चित है, इसी चीज़ को लेकर उन्होंने किताब लिखी थी गांधी, और इसके लिए रिचर्ड एटनबरो बहुत फेमस हुए थे। अब इनके भाई डेविड एटनबरो को एक जो है पुरस्कार मिला है, इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2019। और मैं इंग्लिश का टीचर हूँ तो मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूँ कि पुरस्कार जब सम्मानित किया जाता है, मिलता है, तो एक फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल किया जाता है फेटेड विथ, तो ये फेटेड विथ आपको याद रखना होगा। और इसके बाद हम कुछ और जानकारी जानते हैं कि ये जो इंदिरा गांधी स्मारक न्यास है, इसकी तरफ से मिला हुआ है, और ये जो पुरस्कार है ये डिजिटली दिया गया है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उन्हें ये वर्चुअल मीट में ये पुरस्कार जो है हैंड ओवर किया है। और डेविड एटनबरो पिछले जो है आधी सदी से ज़्यादा हो गया था जो काम कर रहे थे, वो क्या है, मानवीय चेतना को लेकर सजग रख रहे थे इस चीज़ को। और उन्होंने अपनी जो लेखन और प्रस्तुति है वो उन्होंने क्या किया है, वो उन्होंने समाज सेवा और जो मानवीय चेतना इसको जगाने पे जो है लिखा हुआ है। और इनको जो है बाफ्टा के अंतर्गत साल 2019 में पुरस्कार इन्होंने एक जीता हुआ है। बाफ्टा का फुल फॉर्म नीचे मेंशन कीजिएगा, अगर कोई डिटेल जानकारी आप हासिल कर सकते हैं तो नीचे मेंशन कीजिएगा, वरना अगली क्लास में करंट अफेयर की क्लास में बाफ्टा के डिटेल विषय में मैं डिटेल लेके आऊँगा, थोड़ा सा मेरे साथ रिसर्च आप भी कीजिए। इसके बाद पहला क्वेश्चन और उसका जवाब इस खबर में है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना 100वां जो है इंटरनेशनल गोल ठोका। ये पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं, और जैसे आपको पता है कि आप इंडिया से हो तो इंडिया में क्रिकेट बहुत ज़्यादा जो है पसंद किया जाता है, लेकिन वर्ल्ड में फुटबॉल बहुत ज़्यादा पसंद है, और पुर्तगाल उनमें से, जैसे अगर क्रिकेट की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, आजकल इंडिया बहुत आगे चल रहा है, सो ये एक दो नाम बहुत कॉमन है। इसी तरीके से पुर्तगाल का फुटबॉल के फील्ड में बहुत ज़्यादा नाम है। अब हम बात कर रहे हैं कि 100वां इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय गोल जो है दागा है, और इन्होंने 100वां स्वर्ण पदक भी जीता है। स्वीडन से दूर राष्ट्र लीग संघर्ष था स्वीडन के साथ, इसमें इन्होंने 100वां स्वर्ण पदक जीता हुआ है, ठीक है। ये अचीवमेंट इनका 100वां गोल था, तो बड़ा सवाल है क्या इसके पहले किसी ने 100 गोल दागे कि नहीं दागे हैं। एक पर्सनैलिटी का नाम है, एकमात्र पुरुष खिलाड़ी हैं एलिडेई। एलिडेई ने टोटल 109 गोल दागे हुए हैं, और इन्होंने 100 गोल दागा है, मतलब 9 गोल अभी भी इनके पास पीछे हैं। 9 गोल अगर और दागेंगे तो एलिडेई के ये बराबर आएंगे, ठीक है। एलिडेई ईरान के खिलाड़ी हैं। कुछ डेटा और है जो आपको जानने की ज़रूरत है। देखो, फीफा क्लब जो विश्व कप है, विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक जो है गोल वर्ल्ड कप में किसने किया है, वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने किया है। और एक कैलेंडर वर्ष में, मतलब एक साल में जो सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं वो भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। और इन्हें जो है एक बैलन डी ओर ये एक पुरस्कार है जो कि जो है फ्रेंच न्यूज़ मैगजीन जो है ऑर्गेनाइज करती है। ये एनुअल फुटबॉल अवार्ड है जो फ्रेंच में बहुत फेमस है। सो इन्हें 5 बार ये अवार्ड मिला हुआ है। इसके अलावा लियोन मेसी, शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ एलएम, बहुत नाम फेमस है लियोन मेसी का, इनको जो ये पुरस्कार है जिसका नाम है बैलन डी ओर,
ये इनको 6 बार मिला हुआ है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को 5 बार मिला हुआ है। तो ये सारी छोटी इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है, कम से कम में 2 नाम तो जरूर याद रखना है। अली डेई का नाम याद रखना है जिन्होंने 109, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये 100 गोल दागने वाली जगह में पहुंच गए हैं और 100 स्वर्ण पदक भी इन्होंने हासिल कर लिया है। अगली खबर की तरफ मूव करेंगे। अगली खबर है एडीबी। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इन्होंने भारतीय गवर्नमेंट के साथ जो है एक डील साइन किया है। ये होने क्या वाला है, जो आपकी दिल्ली है, दिल्ली को 3 बाजू की जगहों से जोड़ा जा रहा है, उसके नियर बाई जगहों से, तो एक कॉरिडोर बनाया जाता है RRTS, ये बेसिकली रेल कॉरिडोर बनाया जा रहा है। सो ये अभी जो है $1 बिलियन की डील है, $1 बिलियन जिसमें से पहली किस्त की डील फाइनल हो गई है। $500 मिलियन की जो डील है ये साइन हो गई है, दिल्ली से मेरठ, नाम याद रखिएगा, दिल्ली से मेरठ 3 लाइनें हैं, एक जो कॉरिडोर है इसके लिए पहली किस्त को लेकर डील साइन हो गया है। तो जो टोटल डील है वो डील है $1 बिलियन की, जिसमें से पहली किस्त की डील साइन हो गई है दिल्ली से जो है, और ये मेरठ तक जानी है। दिल्ली में, दिल्ली के NCR से जो एक चीज़ समझिएगा, ये सराय से, दिल्ली के सराय से कहाँ पे जाना है, मेरठ में, मोदीपुरम में। तो मैं अगर थोड़ा सा भारत का नक्शा बनाने की कोशिश करूँ तो कुछ इस तरीके से नक्शा बनता है। यहाँ से ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से ये हो गया, फिर ये ऐसे निकल के ऊपर से आएगा, यहाँ पे आपका वो है, ये मैं थोड़ा सा और निकालूंगा, तो ये मिड में आपका उत्तर प्रदेश है और यहीं पे दिल्ली आती है बहुत छोटी सी। तो दिल्ली में यहाँ पे मेरठ पे आके जो ये कॉरिडोर मिलना है, ये 82 किलोमीटर की जो है ये कॉरिडोर बननी है, RRTS कॉरिडोर बननी है। तो 82 किलोमीटर की ये कॉरिडोर बननी है, जिसके लिए $500 मिलियन की जो डील है वो साइन हो गई है एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत के साथ। और ये जो है NCR रीजनल प्लान 2021 के तहत ये पूरा का पूरा काम किया जा रहा है। NCR रीजनल 2021 प्लान के तहत बेसिकली दिल्ली NCR को 3 आजू बाजू के 3 जगहों से रेल कॉरिडोर RRTS के द्वारा जोड़ा जाना है। तो इसी का पहला किस्त है बेसिकली ये। इसके बाद अन्य खबर की तरफ चढ़ेंगे, अगली खबर की तरफ चढ़ेंगे। ये है भाई किसान रेल को लेके, किसान रेल साउथ इंडिया का ये पहला किसान रेल है। साउथ इंडिया का पहला किसान रेल क्या है, मैं दोबारा नक्शा बनाना पसंद करूंगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा टाइम लूंगा, आप समझिएगा। ये आपका गुजरात, ये आगे लेके निकल जाएंगे, थोड़ा सा और फिर नीचे आ गया, फिर इधर पे आ गया, ये आपका आंध्र प्रदेश है, ध्यान रखिएगा। अब मैं बात कर रहा हूँ ये आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से आदर्श नगर, दिल्ली के आदर्श नगर तक ये जानी है। कहाँ तक जानी है, दिल्ली के आदर्श नगर तक जानी है। और ये जो है पहली जो है साउथ इंडिया की किसान रेल है। उधर से अगर किसान रेल है तो इसका काम क्या होगा, जो गुड्स होते हैं इसकी वजह से बहुत तेज़ी से जो है वहाँ से पहुँचाए जा सकते हैं, तो माल ख़राब होने के जो चांसेस होते हैं वो माल ख़राब होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे और किसानों को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। इसी चीज़ को लेके इस किसान रेल की शुरुआत की गई है, ठीक है। वर्चुअल माध्यम से इसको हरी झंडी दिखाई है, जो है दिखाई गई है। और एक बात इस चीज़ को समझिएगा कि थोड़ा सा और डिटेल जानकारी में ले लेते हैं कि पिछली साल क्या हुआ था। पिछली साल एक और, ये साउथ इंडिया की बात हो रही है कि साउथ इंडिया की पहली किसान जो है रेल है ये, इसके पहले पिछले साल 7 अगस्त को महाराष्ट्र के देवलाली से, ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक एक शुरुआत हुई थी रेल की। अब बाद में ये दानापुर से बढ़ा के मुजफ्फरपुर तक बढ़ा दी गई थी। तो अगर मैं महाराष्ट्र लूँ तो महाराष्ट्र को कुछ यहीं पर होता है आपका, और ये वाला इलाका होता है महाराष्ट्र का, और यहाँ पर आपका बिहार आता है। जब ये ऐसे निकल जाता है पश्चिम बंगाल, यहाँ पे बिहार आता है, ये बिहार, ये कॉरिडोर जो है पहले से इस कॉरिडोर के अंदर ये रेल चलाई गई थी पिछले साल 7 अगस्त को। इसके अलावा बिहार के बरौनी से झारखंड के टाटानगर, आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि टाटानगर क्यों फेमस है। बिहार के बरौनी से टाटानगर के बीच में पिछले साल जो है दूध के परिवहन के लिए एक विशेष पार्सल ट्रेन चलाई गई थी जो है, और इसके बाद आदर्शपुर के अनंतपुर से दिल्ली के आदर्श नगर तक अब ये किसान रेल चलाई गई है। तो ये 3 डेटा है जो आपको याद रखना पड़ेगा, या रिसेंट डेटा है तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि जो किसान रेल है कहाँ से चलाई गई है। ये आपके आंध्र प्रदेश के अनंतपुर नगर से चलाई गई है, यहाँ से चलाई गई है, और दिल्ली कुछ यहाँ उत्तर प्रदेश के बाजू में हल्का सोफर पड़ता है, तो यहाँ से यहाँ तक चलाई गई है। 2015 में मैंने तकरीबन 10 घंटे से ज़्यादा जो है डेली बेसिस पर पढ़ाई किया था ताकि मैं UPSC की तैयारी कर लूँ, तो उस टाइम पे ही जो ये इंडिया का नक्शा था वो बहुत करीब से याद हो गया है। अभी तो यहाँ पे फिगर नहीं है, वरना एक एक चीज़ ओपन करके मैं आपको पूरा का पूरा बता देता। फिर चलिए अगले न्यूज़ पे चलते हैं। अगला न्यूज़ है कुछ हमारा जो है फर्स्ट वर्ल्ड सोलर टेक्निकल समिट को लेके, ISA, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इसको हिंदी में बोलते हैं, इंटरनेशनल सौर एसोसिएशन बोल सकते हो आप इंग्लिश में इसको, ठीक है। ये पहले विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का 8 सितंबर 2020 को
उद्घाटन हुआ है। इस उद्घाटन के अंतर्गत क्या किया गया है, देखिए 47 देश इसके अंदर शामिल हैं। 47 देशों के अंदर क्या होने वाला है, 47 देशों के अंदर जो हमारी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है, ये क्या काम करने वाली है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ मिल के सोलर एनर्जी पे काम करने वाली है। 27 परियोजनाओं को लेके डील साइन हुआ है। हर एक देश के साथ क्या होने वाला है कि ये जो सौर परियोजना है वो चलाई जानी है। इसमें दो लोग मिलकर इसको चलाएंगे, एक तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन भारत का और दूसरा इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये दो चीज़ है, ये दो मिल के जो है ये 47 परियोजनाओं को लागू करेंगे। ठीक है, 47 सदस्य देश हैं तो हर देश के साथ एक परियोजना, आप ऐसे समझ लीजिए। ये डील भी साइन हुई है। इसके बाद आगे की तरफ चलेंगे और इसमें एक थोड़ा सा छोटा सा चीज़ रह गया है जो केंद्रीय मंत्री और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा के अध्यक्ष आर के सिंह ने थे, ये इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संदेश है वो पढ़ा था। इससे रिलेटेड कुछ डेटा है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। कुछ डेटा क्या है, ये उद्घाटन के समय जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के शब्दों को जब बोला जा रहा था तो उन्होंने कुछ बातें रखी है कि भारत जो है वो क्या करने वाली है। देखो, जो उसकी अक्षय क्षमता है उसमें 2.5 गुना की बढ़ोतरी करने वाली है और उसका जो सौर स्थापित क्षमता है वो 13 से ज़्यादा गुना बढ़ाने वाली है। अक्षय ऊर्जा के मामले में जो भारत का स्थान है वो चौथा स्थान है विश्व में। भारत 2022 तक एक लक्ष्य रख रही है जिसमें गैर जीवाश्म ईंधन जो आधारित बिजली उत्पादन का है वो 220 गीगावाट का लक्ष्य प्राप्त करना चाहती है। उन्होंने ये मेंशन किया उस मैसेज में। भारत डीजल आधारित जो पंप है सिंचाई के लिए, डीजल आधारित पता भी गांव में देखा है तो वो जो पंप होती है वो डीजल पे बेस्ड होती है, उसको रिप्लेस करने वाली है वो सौर पैनल से, सौर सिंचाई से चलने वाली जो होती है, जो सौर एनर्जी से वो पंप चल सके उससे वो रिप्लेस करने वाली है। इसके लिए कुसुम योजना लॉन्च की गई है। भारत ने एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया की मदद से ISA के सदस्य देशों में बैकबेल सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट जो है ये विकसित करने के लिए एक प्रोजेक्ट की तैयारी चालू की है। अब देखो यार, एक और कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद रखना पड़ेगा। कुछ हमारी जो यूनिट्स है ONGC, IOCL, BPCL, HPCL और गेल, ये क्या काम करनी है, ये काम करने वाली पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री ने इस बात की घोषणा की है कि 5 जो सार्वजनिक क्षेत्र की जो इकाइयां हैं वो क्या करेगी, वो साझेदार बन के जो है ISA के कोएलिशन फॉर सस्टेनेबल क्लाइमेट एक्शन, ISA CSCA शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं, इसके साथ मिल के जो है काम करेगी कि ताकि ये 27 जो परियोजनाएं हैं ये 27 परियोजनाओं को प्रॉपर तरीके से जो है रन किया जा सके। तो ये छोटी छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जिस इन्फॉर्मेशन में अक्षय क्षमता 2.5 गुना बढ़ाने वाली है, सौर स्थापित जो क्षमता है वो 13 गुना ज़्यादा बढ़ाने वाली है, अक्षय ऊर्जा में भारत जो है आपकी चौथे स्थान पर है और 2022 तक जो टारगेट है गैर जीवाश्म ईंधन की वो 220 गीगावाट जो है बिजली पैदा करने की है, डीजल आधारित इंजन को रिप्लेस करके सौर इंजन में कैसे कन्वर्ट किया जा रहा है कुसुम योजना के तहत। तो ये कुछ बेसिक जानकारी है जो आपको याद करने लायक है। उसके बाद अगली जो न्यूज़ है वो है गोविंद स्वरूपम को लेके, इनका जो है रिसेंट में डेथ हो गया है। ये 91 साल के थे जब पुणे में इनका निधन हुआ है। बेसिकली 1929 में ये उत्तर प्रदेश में जो है इनका जन्म हुआ था। इनको भारतीय रेडियो खगोल विज्ञान का पिता बोला जाता है और इनका नाम जो लिखा जाता है रेडियो एस्ट्रोनॉमर प्रोफेसर गोविंद स्वरूप, ये इनको पूरी तरीके से बोला जाता है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो है MCQ के फॉर्म में, भारतीय रेडियो खगोल विज्ञान का पिता किसे कहते हैं, तो गोविंद स्वरूपम को बोलते हैं। इन्होंने क्या है, पुणे में TIFR NCRA ये क्या है, सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स इनके स्थापना की है और इसके निदेशक भी रहे हैं, डायरेक्टर भी रहे हैं। ठीक है, और भारत में दो बड़े रेडियो टेलीस्कोप, एक तो नाम है इसका ऊटी रेडियो टेलीस्कोप जिसको ORT बोलते हैं और विशालकाय मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप GMRT, ये दो चीज़ बनाए, इसी वजह से इनको रेडियो एस्ट्रोनॉमर भी बोलते हैं और भारतीय रेडियो खगोल विज्ञान का पिता मिलते हैं। इन्हें कई सारे पुरस्कार भी मिले, इन्हें पद्मश्री मिल चुका हुआ है, एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के हर्सल मेडल से ये नवाजे जा चुके हैं, URSI डेलिंग मेडल से नवाजे जा चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट रिवर मेडल जैसी कई पुरस्कार इनको मिला हुआ है। तो जो इनके विषय में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो कि इनकी डेथ कब हुई और दूसरा ये नाम दे दिया जाएगा गोविंद स्वरूप का जो है हाल ही में जो है इनका डेथ हुआ था, ये क्या थे, तो बेसिकली ये क्या थे, रेडियो एस्ट्रोनॉमर थे। इनको भारतीय रेडियो खगोल विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। तो ये दो तीन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद दिन की आगे की खबरों की तरफ मूव करेंगे। ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट ये जो है उत्तर प्रदेश में इसका इनॉग्रेशन हुआ है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरन कौर बादल, इन्होंने जो है क्या काम किया है, इन्होंने इस जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया हुआ है और ये जो इकाई है ये बेसिकली फूड प्रोसेसिंग यूनिट है।
इससे क्या होने वाला है, 5,000 किसान इससे लाभान्वित होने वाले हैं। इसमें जो निवेश है उस पर 50.33 करोड़ रुपए का प्रॉफिट जनरेशन का अनुमान लगाया गया है। और जो ये इकाई है इसका नाम रखा गया है मैसर्स ऑर्गेनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। मैसर्स ऑर्गेनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ये 100 लोगों को प्रत्यक्ष और 250 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से जॉब देने वाली है। देखो जो मैसर्स ऑर्गेनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है इसमें जो निवेश है वो 55.13 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। और इसकी जो क्षमता होगी वो एक दिन में 3 मीट्रिक टन जो है फूड प्रोसेस करने की क्षमता होगी बेसिकली। और ये 350 करोड़ रुपए की कृषि उपज का क्या काम करेगी, ये प्रोसेसिंग करेगी। प्रसंस्करण हिंदी में बोलते हैं और प्रोसेसिंग बाद बोलते हैं। अच्छा, प्रोसेसिंग यूनिट का क्या मतलब होता है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट का क्या मतलब होता है, जो रॉ मटेरियल होता है उसको प्रोसेस गुड में कन्वर्ट करेगी। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख रहे हैं ये इस तरीके की यूनिट बनाई गई है प्रोसेस करने के लिए। जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, जो हमारे कृषि के रॉ मटेरियल होते हैं, उसके लिए क्या करेगी, ये प्रोसेस करेगी। इसके बाद जो है फूड प्रोसेस का डिस्कशन अपन ने कर लिया है। अब एक और डिस्कशन है आज के ताज़ा खबरों में, ये है यार एक मिशन चलाया गया था, बम्बू मिशन बोलते हैं जिसको, ये लॉन्च किया गया है। बम्बू मिशन का जो है लोगो लॉन्च किया गया है और 42 बम्बू क्लस्टर लॉन्च किया गया है। तो ये 9 राज्यों में 22 जो है बांस समूहों को लॉन्च किया गया है। ये जो राज्य है वो है गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, झारखंड, कर्नाटक। अगर मैं अभी आपको थोड़ा डिटेल में चलूं तो मैं ये जो है पूरा का पूरा आपको लोकेट कर दूंगा। मुझे लगता है ये टाइम वेस्ट होगा, लेकिन फटाफट थोड़ा सा देख लो अगर आप सारे लोग देखना चाहते हो, नॉलेज चेक करना चाहते हो, कुछ टेढ़ा मेढ़ा बना रहा हूं तो ऐसे समझ लेना। अब जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश, ये आपका गुजरात, ठीक है, आपका मध्य प्रदेश किधर पर आता है, आपका मध्य प्रदेश इधर पर आता है, और महाराष्ट्र किधर पर आता है, महाराष्ट्र इधर पर आता है, ओडिशा यहाँ पर है, असम आपका कहाँ पे पड़ता है, असम आपका यहाँ पे पड़ता है, और नागालैंड कुछ इधर पड़ता है, त्रिपुरा इधर ही पड़ता है, उत्तराखंड इधर पड़ता है, कर्नाटक इधर पड़ता है। तो ये कुछ इलाके हैं जो आप रिलोकेट कर सकते हो, मतलब इतना इन डेप्थ नहीं जाना होता है अगर आप वन डे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो इन जगहों पे जो है क्या काम किया गया है, ये बम्बू मिशन से रिलेटेड 22 जो है बांस के जो है क्लस्टर जो है लॉन्च किए गए हैं और लोगो लॉन्च किया गया है। जो लोगों के विषय में कुछ इन्फॉर्मेशन है वो पूछा जा सकता है। देखो कुछ लोगो इस तरीके का है, एक एक चक्र की तरह है। चक्र में क्या है, इधर जो है, इधर वाला जो सेक्शन है ये जो है औद्योगिक इकाई को रिप्रेजेंट करता है। इधर वाली जो इकाई है वो किसानों को रिप्रेजेंट करता है। इसके अंदर बांस है और उनकी पत्तियां बनी हुई है, और इसका जो कलर दिया गया है वो ग्रीन दिया गया और येलो दिया गया है। फिगर में आपको कैसा भी दिख रहा हो लेकिन ये जो कलर है वो येलो कलर है। तो बांस का जो रंग है उसको हम अक्सर करके हरा सोना बोलते हैं, क्योंकि उसकी पत्तियां ग्रीन होती, तो इसलिए उसको हरे सोने का जो है वो देते हैं। और इसमें एक फेमस पर्सनालिटी है जो लोगो डिज़ाइन का काम है, वो साई राम गौडी एडिगी, नाम भी बड़े अजीबोगरीब रहते हैं, साई राम गौडी एडिगी, ये आपके तेलंगाना के बंदे हैं जिन्होंने जो है ये लोगो डिज़ाइन किया हुआ है। और माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पर इनको क्या है, एक प्रविष्टि जो को जीता है, मतलब लोगों के लिए रिवॉर्ड जीता है बेसिकली, आम शब्दों में समझते हैं, ज़्यादा ईजी होगा आपके लिए भी। और एक लोगो प्रतियोगिता हुई थी जिसमें इन्होंने रिवॉर्ड जीता था, और उनके लोगों को ही लेके ये लोगो लॉन्च किया गया है। इसके बाद अगले न्यूज़ की तरफ, 2 नए सेंटर जो है स्किल और टेक्निकल सपोर्ट के लिए जो है इस्टेब्लिश किया है सीपेट को लेके। और सीपेट का फुल फॉर्म है क्या, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। पहले इसका नाम था सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग, तो प्लास्टिक इंजीनियरिंग से बदल के पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग कर दिया गया है। एंड टेक्नोलॉजी आगे पूरा का पूरा डिटेल नाम है। अब इन शॉर्ट में मतलब समझिए कि क्या हुआ है, जैसे यहाँ पे फिगर में दिखाई दे रहा है, तो 2 नए सेंटर बनाए गए हैं कुल मिला जुला के ये है। इन 2 सेंटरों में होता क्या है कि ट्रेनिंग दी जाती है पेट्रोकेमिकल से रिलेटेड, जो भी नए टैलेंट आते हैं टैलेंट को जो है ट्रेन किया जाता है। ट्रेन करने से क्या होता है कि हमारी इंडस्ट्री को कम से कम रिसोर्सेज मिलते हैं, टैलेंटेड रिसोर्स मिलते हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आप समझ लीजिए कि सीपेट में क्या है, 43 जो है वो परिचालन केंद्र पहले से है, 9 और केंद्र स्थापित किया गया है सीपेट के अंतर्गत, ठीक है। अभी रिसेंट में सीपेट द्वारा भागलपुर बिहार में सेंटर और वाराणसी यूपी में सेंटर स्थापित किया गया है। तो बिहार में एक सेंटर है जिसमें भागलपुर, बेसिकली बिहार के भागलपुर में और यूपी के वाराणसी में 2 स्किल और तकनीकी सहायता के लिए 2 नए केंद्र स्थापित किए गए हैं। टोटल जो है 43+9 केंद्र है। और सीपेट में स्किल एंड टेक्निकल सपोर्ट के लिए, स्किल एंड टेक्निकल सपोर्ट के 32 केंद्र भी हैं। कभी भी आपके एग्जाम में ये इतना इनडेप्थ डिटेल नहीं पूछेगा क्योंकि ये बहुत रिलेवेंट भी नहीं होता है। सीपेट ने अपनी सेवा के 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं और 2020 में इसका नाम चेंज किया गया था। सीपेट रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, ये इंपॉर्टेंट एक चीज़ है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और सीपेट का मुख्यालय चेन्नई में है।
सीपेट का मुख्यालय चेन्नई में है और ये रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है सीपेट। दो नए सेंटर भागलपुर और वाराणसी में है। ये जब आप तो स्टेट पीसीएस एग्जाम दे रहे होंगे, यूपी पीसीएस एग्जाम दे रहे होंगे, तब उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है इन डेप्थ डिटेल। अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन डेप्थ डिटेल नहीं पूछा जाता है। न्यूज़ फटाफट की बारी है। अनिल जैन बिकम्स न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन। जो ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन है उसके नए जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट मतलब अध्यक्ष जो है वो अनिल जैन है, इनको बनाया गया है। अनिल जैन के विषय में थोड़ी सी जानकारी, ये राज्यसभा के सदस्य रहे हैं अनिल जैन। अखिल भारतीय टेनिस संघ की वार्षिक जो एजीएम होती है, एनुअल जनरल मीटिंग जिसको बोलते हैं एजीएम, एजीएम में इन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसके पहले मध्य प्रदेश के टेनिस संघ के सचिव जो अनिल धूपर है, इनको जो है महासचिव बनाया गया है। अब बात आती है कि इन्होंने किसको किसको रिप्लेस किया है। अनिल ने प्रवीण महाजन को जो है रिप्लेस किया हुआ है। धूपर ने हिरणमाय चटर्जी का स्थान लिया है। दिल्ली के लॉन टेनिस संघ के अध्यक्ष जो है चुने गए हैं। भारतीय डेविड कप टीम के नॉन प्लेइंग कप्तान रोहित राजपाल को कोषाध्यक्ष चुना गया है। तो ये कुछ बेसिक डिटेल है, लेकिन जो डिटेल है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के जो नए अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम है अनिल जैन। न्यूज़ फटाफट में इसके आगे एक और न्यूज, इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक। बेसिकली अभी आपको पता है कोविड का सिचुएशन है, कोविड की क्राइसिस है, कोविड का इम्पैक्ट कितना पड़ा हुआ है एजुकेशन पे हमारे नौजवान में, इसी चीज़ को मॉनिटर करने के लिए जो है 9 सितंबर को विश्व स्तर पर शिक्षा को हमले से बचाने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है। ये पहला है, 2020 में पहली बार ही इसे मनाया जा रहा है, क्योंकि इसके पहले इस तरीके का कोई थॉट नहीं था। अब ये जो दिवस है ये मनाया क्यों जा रहा है, इसके कुछ विशेष रीज़न होते हैं कि इस पर्टिकुलर दिन पे क्या ध्यान दिया जाना है। बच्चों पर निरंतर हिंसा के प्रभाव क्या रहे हैं, शिक्षा तक पहुंचने में क्या उनकी क्षमता में कमी आ रही है, क्या चिंता व्यक्त हो रहा है जिससे शिक्षार्थी की आवश्यकताएँ जो है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, उस पर कैसे जोर दिया जा रहा है, और कितने ऐसे संस्थाएँ हैं जो कोविड-19 की महामारी की वजह से बंद हो गए हैं और जिससे बच्चों की शिक्षा पर बुरा असर पड़ा हुआ है। इन सब चीज़ों को लेके इस दिन पर चर्चाएं होंगी, और अगर कुछ आउटकम निकलता है तो कुछ ना कुछ गवर्नमेंट अलग अलग देश उस पर जो है एक्शंस लेंगे, ठीक है। और ये जो प्रस्ताव था बेसिकली कि ये इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक ये डे मनाया जाएगा, ये जो प्रस्ताव का था कतर का था, और इस पर जो है 62 देशों ने सहमति बताई थी कि हाँ ये चीज़ें डिस्कस करना चाहिए, कि हमें पता करना चाहिए कि कितना जो है इम्पैक्ट पड़ रहा है। ये अभी तो कोविड की वजह से इम्पैक्ट पड़ा है, लेकिन आने वाले समय में ये डे अगर मनाया जाता रहा तो आने वाले कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एजुकेशन को इम्पैक्ट कर सकती है, तो इस चीज़ को लेके ये डे घोषित किया गया है और ये पहली बारी घोषित किया गया है, तो हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जाए। फिर आते हैं अपने अगले सेगमेंट में, वन लाइनर में। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस सरकारी योजना का नया लोगो लॉन्च किया है? ये राष्ट्रीय बांस मिशन का जो लोगो लॉन्च किया है, अब इसका जो कलर है वो ग्रीन एंड येलो है। दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर के लिए किस संगठन ने $500 मिलियन प्रदान किए थे? तो ADB ने किया है, ACI विकास डेवलपमेंट, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किया है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी स्किल और तकनीकी सहायता के लिए दो नए केंद्र कहां पर स्थापित किए गए? भागलपुर और वाराणसी, भागलपुर बिहार, वाराणसी यूपी। हाल ही में किसको इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डेविड एटनबरो, रिचर्ड एटनबरो जो थे उनको जो है उनकी एक बुक है गांधी, ये बहुत फेमस है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरन कौर बादल ने जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किस राज्य में किया है? यूपी में किया हुआ है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, अगले वन लाइनर की तरफ। किससे भारतीय रेडियो खगोल विज्ञान का जनक कहा जाता है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है डॉक्टर गोविंद स्वरूप। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि रिसेंट में उनकी डेथ हो गई है। निम्नलिखित में से कौन सा, 91 वर्ष के थे, पुणे में डेथ हुई है। ये सब चीज़ें फटाफट आपको याद होने जानी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक उपक्रम ISA के कोलिशन फॉर सस्टेनेबल क्लाइमेट एक्शन ISACSCA में शामिल नहीं होगा? ऑल इंडिया लिमिटेड ये शामिल नहीं होगा। कौन अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 100 से अधिक गोल करने वाला केवल पुरुष खिलाड़ी है? अली दाए। शिक्षा को हमलों से बचाने का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? 9 सितंबर 2020, अभी। किसको अखिल भारतीय टेनिस संघ की वार्षिक आम सभा AGM में संघ का अध्यक्ष चुना गया है? अनिल जैन। दक्षिण भारत से चलने वाली पहली किसान रेल कहाँ से कहाँ तक के लिए रवाना हुई है? अनंतपुरम से आदर्श नगर तक, याद रहना चाहिए आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम से आदर्श नगर तक दिल्ली के। निम्नलिखित में से किस भारतीय रेडियो खगोल विज्ञान का जनक कहा जाता है? ये आपका अगला सेक्शन है, MCQ का सेक्शन। फटाफट जवाब दीजिए, मन मन में जवाब दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन रेडियो एस्ट्रोनॉमी? ये है गोविंद स्वरूप। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर के लिए किस संगठन ने $500 मिलियन प्रदान किए हैं? और यह है आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB बोलते हैं इसको,
डी बी। इसके बाद अगला सेक्शन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक उपक्रम ISA के कोएलिशन फॉर सस्टेनेबल क्लाइमेट एक्शन ISA CSCA में शामिल नहीं होगा? IOCL नहीं होगा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ONGC होगा, PPCL होगा, OIL होगा, ऑयल इंडिया लिमिटेड। IOCL होगा, सॉरी ये OIL नहीं होगा, ऑयल इंडिया लिमिटेड नहीं होगा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन होगा। इसके बाद अगले सेक्शन की तरफ मूव करते हैं, स्टील इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी CPET शॉर्ट में बोलते हैं, स्किल और तकनीकी सहायता के लिए 2 नए केंद्र कहाँ पर स्थापित किए गए हैं? ये आपका भागलपुर और वाराणसी, ये 2 सेंटर्स बनाए गए हैं, एक आपका बिहार और दूसरा UP में। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 100 से अधिक गोल करने वाला केवल पुरुष खिलाड़ी है? ये आपके क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, शिक्षा को हमलों से बचाने का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? ये है आपका 9 सितंबर 2020, ये पहली बार मनाया गया, ये बात भी याद होनी चाहिए आपको। इसके बाद है, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस सरकारी योजना का नया लोगो लॉन्च किया है? ये है आपका नेशनल बम्बू मिशन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसको इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये आपके डेविड एटनबरो हैं। यहीं पे अगर रिचर्ड एटनबरो का भी नाम आ जाए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो याद रखिएगा डेविड एटनबरो। रिचर्ड एटनबरो अपनी किताब गांधी के लिए फेमस है। हरसिमरन कौर बादल ने जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किस राज्य में किया है? ये किया है उत्तर प्रदेश में। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, किसको अखिल भारतीय टेनिस संघ की वार्षिक सभा में संघ का अध्यक्ष चुना गया है? अनिल धूपर, प्रवीण महाजन, अनिल जैन, रोहित राजपाल। अनिल जैन को चुना गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत से चलने वाली पहली किसान रेल कहां से कहां तक के लिए रवाना हुई है? ये अनंतपुर से आदर्श नगर दिल्ली तक चलने वाली है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जो कि ख़त्म हो गया है, अगर आपको करंट अफेयर पसंद आ रहा हो तो नीचे लाइक का बटन हिच कीजिएगा, अपने सुझाव लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा।